SBI ATM कार्ड यूजर के लिए बड़ी खबर। SBI देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों की तादाद भी अन्य बैंकों की तुलना में बहुत अधिक है। देश के सबसे बड़े बैंक ने ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में ट्वीट किया है। RBI गाइडलाइंस के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने 31 दिसंबर तक बैंक के मैग्नेटिक कार्ड को EMV और पिन आधारित कार्ड से बदलने का निर्णय लिया है। SBI के मैग्नेटिक कार्ड जनवरी 2020 से निष्क्रिय हो जाएंगे, चाहे उनकी कोई वैलिडिटी कितनी भी लंबी हो। हालांकि बैंक ने स्पष्ट किया है कि बिना EMV चिप वाले पुराने मैगस्ट्रिप कार्ड को ही 31 दिसंबर के बाद निष्क्रिय किया जाएगा। आप नए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि सही पता होना जरूरी है। अगर आप नए EMV चिप कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक अकाउंट में आपका वर्तमान और सही पता ही दर्ज है। बैंक का कहना है कि ATM कार्ड की डिलीवरी इंडिया पोस्ट की ओर से किया जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, इसलिए पता का सही होना जरूरी है। नहीं लगेगा कोई खर्च। बैंक के मुताबिक आप अपने नजदीकी SBI ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो भी ऐसा कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव समाचार में आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।